वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी मूवी के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि 5 मई को द केरला स्टोरी मूवी है वो सिनेमा घर में आ रही है। तो बात करते हैं हम इसके, यानी कि लीड में आपको कौन दिखाई देंगे। तो इसके लीड में आपको अदा शर्मा दिखाई देंगे। जी हाँ गाइस, अदा शर्मा, जिन्होंने कि कमांडो जैसी मूवी में बेहतरीन काम किया है। और आप सब लोग जानते ही हैं कि कमांडो मूवी कितनी हिट रही, उनके पीछे का रीज़न था कि अदा शर्मा की बेहतरीन एक्टर एक्टिंग। और अब जो द केरला स्टोरी मूवी आ रही है वो मतलब बहुत काफ़ी बेहतरीन मूवी है। जैसे कि द कश्मीर फाइल मूवी आई थी, लगभग सेम टू सेम उसी की तरह मूवी है। और इस मूवी में जो है कि काफ़ी कुछ बताया गया है, वो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता, मैं किसी भी धर्म विशेष का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं ना ही किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर सकता हूँ। बट यही है कि आजकल ये मूवी जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है कि इस मूवी को बैन करो, कोई बोल रहा है कि सच्चाई को सामने आना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, मतलब आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं, मतलब क्या होगा। बट इस मूवी में जैसे कि बताया गया है कि लड़कियों को, जो हिंदू लड़कियां हैं, उनको इस्लामिक गर्ल्स में कन्वर्ट करके, और उनको बोला जा रहा है कि आप अगर इस्लाम को कबूल करती हैं तो आप सेफ़ हैं, अदरवाइज अनसेफ हैं। तो यानी कि बहुत कुछ दिखाया गया है, वो पता नहीं मतलब क्या सच्चाई है क्या झूठ है। भाई मैं तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, और आपकी राय क्या है आप ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आपको बताइए कि उसमें ये भी बोल रहे हैं कि जो केरला है वो इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है कुछ दिनों में, और इस्लामिक स्टेट भी हो सकता है। मतलब उनका मतलब सीधा सा कहना है ये कि मतलब ये जो केरला द स्टोरी मूवी है, अब वो मतलब इसमें जो है इस्लामिक जो व्यक्ति हैं वो मतलब अपनी थोड़ा सा प्रतिवेदन कर रहे हैं लोगों का, और मतलब धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और बहुत कुछ बताया गया है इस मूवी में। तो वो आपको पता चलेगा मूवी देखने के बाद। बट मैं एक बार फिर से आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी धर्म विशेष का सपोर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करता हूँ। और बट एज अ मूवी मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये मूवी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर एज अ ऑडियंस आप इसे एज अ मूवी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।